1972 में आखिरी बार नासा के द्वारा भेजा गया अपोलो 17 ने चांद की सरफेस पर लैंड किया था, जिसके बाद में आज तक किसी भी इंसान ने चांद की सतह पर कदम नहीं रखा। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ में फिर से नासा इंसानों को चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है, और ये पहली बार होगा जब प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स भी इस मिशन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होगी। इस प्रोग्राम में नासा 2024 तक मून लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, जिसमें $35 बिलियन का खर्च आएगा, जो कि दुनिया में सबसे महंगे स्पेस प्रोग्राम्स में से एक होगा। लेकिन खास बात यह है कि यह अपोलो मिशन के कंपैरिजन में काफी सस्ता होगा, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर काफी सस्ती हो चुकी है। इस मिशन की मदद से मून पर न सिर्फ एक परमानेंट बेस बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे मून पर मौजूद मिनरल्स को पृथ्वी पर लाया जा सकेगा। इसके अलावा मून पर टूरिज्म को भी ओपन करने में इससे मदद मिलने वाली है।